उत्तराखंड की सत्ता के नरेश ने आज टॉप किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए अब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं। सी वोटर के सर्वे में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की फेहरिस्त में जनाब 0.4% के साथ में इस पायदान पर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड की जनता सब कुछ जानती है। जनता जनार्दन को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार हमेशा अपनी उपलब्धियां गिनाती नजर आती है, हमेशा अपनी सरकार की खूबियों का दम भरती है। हमने ये किया, हमने वो किया, ये कहते सरकार के नुमाइंदों की जुबान नहीं थकती। लेकिन क्या हकीकत सचमुच वही है जो त्रिवेंद्र सरकार हमें दिखाते और बताती है? विकास की मनगढ़ंत तस्वीरें दिखाकर जनता के सामने नंबर बनाती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो त्रिवेंद्र सरकार का सारा नंबर गेम ही बिगड़ गया। जहाँ सी वोटर के सर्वे ने आपके विकास की बुनियाद की जो मार्कशीट तैयार की है उसमें तो आप पूरी तरह से फिसलती नजर आ रहे हैं। दरअसल जब ये सर्वे आया तो देश के टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में उत्तराखंड की जनता आपका भी नाम ढूंढ रही थी, सोच रही थी कि विकास की कुछ झलक हमें यहाँ भी नजर आएगी। लेकिन ये क्या, आपने तो मायूस कर दिया सरकार। देश के टॉप 10 अच्छे सीएम की लिस्ट से तो आपका नाम ही नदारद है। अब अपनी जनता से क्या कहिएगा सरकार कि आप अच्छे नहीं या सच्चे नहीं? लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक लिस्ट और है जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर है। ये लिस्ट देखकर बेशर्मी से अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा, क्योंकि इस लिस्ट में तो 0.4% के साथ सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में टॉपर है आप। यहाँ पर कोई आपको टक्कर नहीं दे पाया। अरे ये क्या, ये तो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की फेहरिस्त है जिसमें आपने अपने विकास के झुनझुने से सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है। तो बताइए साहब, क्या ये सर्वे आपके तथाकथित विकास को मुंह नहीं चिढ़ा रहा? अब क्या कीजिएगा सरकार, जनता को क्या मुंह दिखाइएगा, उन्हें क्या बताइएगा, किस बात पर गुमान कीजिएगा और किस बात पर इतराइएगा? क्योंकि आपको जो आईना सर्वे ने दिखाया है उसने तो आपको कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, उसने तो आपके मुंह पर बेगारी और बेलगामी की कालिख भी पोती है।